हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही विचित्र पौधे की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाजर घास की। साधारण शब्दों में कहें तो इसे गाजर घास कहा जाता है, इसे पार्थेनियम कहा जाता है, इसे चटक चांदनी कहा जाता है, इसे कांग्रेस घास कहा जाता है, इसे म्यूनिसिपैलिटी वीट कहा जाता है, इसे स्टार वीट कहा जाता है, इसे व्हाइट टॉप भी कहा जाता है, साथ ही साथ विदेशों में इसे सेंटा मरिया के नाम से जानते हैं। अगर इस पौधे के डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोपोरस। इसका कुल है एस्टेरेसी यानी कि कंपोजिटी। पौधे की आकारी की यदि हम बात करें तो गाजर घास का पौधा 2 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसकी पत्तियां अधिकतम 30 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। एक पौधे के अंदर पत्तियों की संख्या 6 से लेकर 55 तक हो सकती है। बीज निर्माण की बात करें तो गाजर घास का एक पौधा लगभग 2 से 5 हज़ार बीजों का निर्माण करता है, परंतु अधिकतम ये 1 लाख तक बीजों का निर्माण भी कर सकता है। गाजर घास का प्रवर्धन होता है इसकी श्वेत कलिकाओं के द्वारा, जिसको हम क्राउन बड्स भी कहते हैं। एक बड के अंदर 5 बीज उपस्थित होते हैं और यह जो पौधा होता है ये 1 महीने के अंदर अंदर पुष्पन फलन प्रारंभ कर देता है। यदि गाजर घास का आपको नियंत्रण करना है तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी पुष्पन अवस्था के पहले इसका नियंत्रण किया जाना चाहिए। गाजर घास की हानियों की यदि हम बात करें तो इसके द्वारा त्वचा में खुजली होना, जलन होना, फफोले पड़ना, श्वसन संबंधी रोग होना जैसे कि अस्थमा रोग होना, छाले पड़ना। फसल के बारे में यदि हम बात करें तो चना एवं मूली की उपज को कम कर देता है। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का कारण बनता है, जिसके कारण मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटेशियम की कमी हो जाती है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक कार्बन की भी कमी हो जाती है। गाजर घास जिन क्षेत्रों में पाया जाता है वहाँ का पीएच हमेशा बढ़ा हुआ पाया जाता है, यानी मृदाओं को लवणीय एवं क्षारीय बनाता है। विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका चारों महाद्वीपों में गाजर घास ने लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कब्जा कर रखा है। संभवतः गाजर घास का प्रवेश जो है भारत में 1910 के दशक में हुआ है, परंतु इसके लिखित प्रमाण जो है 1956 में प्राप्त होते हैं। पहली बार इसे पुणे में देखा गया। माना जाता है कि गेहूं के साथ मिलके या गेहूं के बीजों के साथ मिलके ये गाजर घास जो है इसके बीज भारत में आ गए हैं। एक तरफ जहां गाजर घास बहुत ज़्यादा हानिकारक है, वहीं दूसरी तरफ जो है गाजर घास के कुछ लाभ भी हैं। गाजर घास के अगर पर्यावरण में लाभदायक प्रभाव में देखना तो हमको ये जानना होगा कि गाजर घास का पौधा जो है हैवी मेटल डाइज का जो प्रदूषण है उसको कम करता है, जैसे निकिल और कैडमियम से होने वाला प्रदूषण। साथ ही साथ जलीय खरपतवार जैसे जलकुंभी, साल्वेनिया मोलेस्टा और वाटर लेट्यूसी के नियंत्रण में गाजर घास का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। एक तरफ गाजर घास का प्रयोग बायोपेस्टिसाइड के रूप में हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ नैनो मेडिसिन के रूप में गाजर घास ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। यदि बायोगैस प्लांट में हम बात करें तो एनोरोबिक डिकम्पोजिशन को बढ़ावा देने के लिए गाजर घास का प्रयोग किया जाता है। अगर पुष्पन अवस्था के पहले गाजर घास को मृदा में मिला दिया जाता है तो यह मृदा में एक महत्वपूर्ण हरी खाद भी सिद्ध होता है। गाजर घास के यदि हेल्थ बेनिफिट की बात की जाए तो दस्त, बुखार, स्किन रैशेज, कोल्ड, हार्ट ट्रबल, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होने के कारण टी से ल्यूकेमिया और हेला कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज भी इससे संभव है। साथ ही साथ हर्पीस जैसी बीमारियों का इलाज भी गाजर घास आसानी से कर सकता है। एक अध्ययन में देखा गया कि किसी चूहे को गाजर घास से निर्मित वैक्सीन लगाई गई और उसमें कैंसर होने के बाद भी उसकी उम्र बढ़ गई। इसका अर्थ यह है कि गाजर घास जो है वो कैंसर रोगियों के लिए भविष्य में वरदान सिद्ध होने वाला है। बहुत सारे बायोपेस्टिसाइड, बायोमेडिसिन, नैनो मेडिसिन भी गाजर घास से बनाई जा रही है। आइए अब बात करते हैं गाजर घास के नियंत्रण की। हाथ से उखाड़ना गाजर घास को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय है, परंतु यह उपाय आपको गाजर घास की आयु 1 महीने पूरी होने के पहले ही कर लेना है। रासायनिक नियंत्रण में हम बात करें तो आप 4 खरपतवारनाशियों का प्रयोग कर सकते हो, ग्लाइफोसेट, एट्राजीन, 2,4-D और मेट्रीब्यूजिन। ये चारों ही बहुत कारगर सिद्ध हुई है। बायोलॉजिकल कंट्रोल की यदि हम बात करें तो लीफ ईटिंग कैटरपिलर जिसको हम कहते हैं जाइग्रोगामा बाइकोलोराटा, ये बहुत अच्छा इसके खिलाफ सिद्ध हुआ है। साथ ही साथ पक्सीनिया अब्रप्टा नाम की कवक जो है इसका कारगर उपाय सिद्ध हुई है। यूकेलिप्टस ऑयल का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ये गाजर घास को नष्ट करने में वरदान सिद्ध हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फसलों के साथ यदि गेंदा उगाया जाए तो गाजर घास का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। सेना टोरा नाम का एक खरपतवार होता है जिसको हम साधारण ग्रामीण भाषा में पुआड़िया भी कहते हैं। पुआड़िया गाजर घास का बहुत अच्छा इलाज है।